प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही, ऐसे में मरीजों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल फिलहाल खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। बुधवार को एक साथ राज्य के सभी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर छात्रवृत्ति बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। 24 घंटे बाद भी जूनियर डॉक्टरों और सरकार के बीच वार्ता को लेकर कोई पहल नहीं हुई है। ऐसे में गुरुवार को दूसरे दिन भी यह हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टरों की बुधवार को हड़ताल के बाद सरकार की तरफ से अब तक वार्ता के लिए कोई संपर्क नहीं साधा गया है। इसका बुरा असर राज्य की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेज प्रभावित हैं, जहां ओपीडी और इमरजेंसी सेवा पर इसका प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है। जूनियर डॉक्टरों की मांग स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को लेकर है, जिसको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वे लोग हैं। बिहार में अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था मूल रूप से जूनियर डॉक्टरों पर ही आश्रित है। ऐसे में मरीजों की मुश्किलें और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से पूर्वी बिहार के सबसे बड़े भाग भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओपीडी सेवा को कुछ समय के लिए जूनियर डॉक्टरों ने ठप कर दिया। उसके बाद जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी के बाहर धरने पर बैठ गए। डॉक्टर सिर्फ कोविड ड्यूटी दे रहे हैं। जेडीए की माने तो 2017 में ही राज्य सरकार ने हड़ताल के बाद भरोसा दिया था कि हर 3 साल पर स्टाइपेंड की राशि में बढ़ोतरी होगी, लेकिन 2020 खत्म होने को है और अब तक स्टाइपेंड की राशि नहीं बढ़ाई गई है, जिसके बाद सभी हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन को रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है और मांगों को जायज बताया है। हड़ताल की जानकारी डॉक्टरों ने अस्पताल के प्राचार्य के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को भी एक पत्र लिख कर दी है। हड़ताल की वजह से मरीजों की मुश्किलें अब काफ़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि कोरोना काल में सामान्य और इमरजेंसी मरीजों का इलाज मेडिकल कॉलेजों में प्रभावित होगा। ऐसे सरकार की भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। वहीं भागलपुर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार ने मांगे पूरी नहीं होने तक दुनिया में डॉक्टरों की हड़ताल जारी रखने की बात कही है। हम लोगों का जितना भी पीजी है पैन बिहार मेडिकल कॉलेज का, सभी लोगों की मांग जो है, जो गवर्नमेंट ने जो दी थी 2017 से 2020 के प्रोविजन था उसमें बढ़ाने का, 2020 1 जनवरी से उसमें गवर्नमेंट बढ़ाई नहीं पैसा को। इसके लिए 3-4 बार जाके हेल्थ सेक्रेटरी से मिला गया, उसका उनको एप्लीकेशन दिया गया कि हम लोगों का क्या हुआ, वो बढ़ा नहीं है स्टाइपेंड। फिर भी वहाँ से हम लोगों का एप्लीकेशन लिया गया, लेकिन उसमें वहाँ पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। तो फिर मजबूरन हम लोग सारे पीजी बिहार के कार्य से, सभी 9 मेडिकल कॉलेज कार्य का बहिष्कार किए हैं। हम लोग अपने मांगों के लिए स्ट्राइक पर है, काम को अभी फिलहाल हम लोग नहीं कर रहे हैं कहीं भी सब जगह। इस फिर भी कोविड में ड्यूटी जो चल रही है उस पेशेंट को ध्यान में रखते हुए, वो सीरियस पेशेंट होता है, उनको वहाँ पे कार्य बाधित नहीं है पूरा पैन बिहार, बाकी जगह कार्य हम लोग नहीं कर रहे हैं फिलहाल। यदि मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप लोगों को बताया जाएगा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आप लोग अपडेट रहिए, सब धीरे धीरे आपको बताया जाएगा और पता चलेगा। क्या नाम है? सुधीर कुमार, पीएम। अरे